amount of solvent is known as its solubility. So इसमें एक वर्ड आएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस, ये वर्ड अधिकतर यूज करेंगे हम, स्पेरिंगली सॉल्युबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस? बच्चों ऐसे सब्सटेंस जो कम सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, जिनकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है इसलिए कम घुलते हैं, बट जितना भी घुलते हैं सारा का सारा आयनाइज हो जाते हैं, मतलब दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो वो सब्सटेंस जो कि लेस सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल क्यों है? ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी. इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है. जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो वो चीजें पानी में या सब्सटेंस कम डिजोल्व हुआ, बट जितना भी डिजोल्व हुआ वो पूरा का पूरा आयनाइज हो गया, बट दे आर ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्लियर है. तो ऐसे सब्सटेंस जो डिजोल्व तो बहुत कम हुए हैं लेकिन जितना भी डिजोल्व हुआ है वो सारा का सारा आयोनाइज हो गया है, कैटाइन एनाइन में टूट गया है, वो सब्सटेंस केमिस्ट्री में कहलाएंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल. ओके, नाउ हमने हेडिंग पढ़ी सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का मतलब आ गया मैक्सिमम सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. और जब वो मैक्सिमम घुला हुआ है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहने का मतलब मैक्सिमम सॉल्यूट खुला हुआ है. और बेसिकली हम यहाँ कहना चाहते हैं इक्विलिब्रियम इज रीच. अगर हम कह रहे हैं सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो बेटा हम क्या कहना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया. तो दिमाग में रखना इस पॉइंट को, इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लगाए जा सकते हैं. तो अगर कोई ए बी नाम का बाइंडरी इलेक्ट्रोलाइट है वो बेटा टूट रहा है ए आयन और बी आयन में, ये एक बाइंडरी इलेक्ट्रोलाइट, बाइंडरी का मतलब दो आयन देने वाला, और ये टूट रहा है ए और बी इनमें टूट रहा है. ठीक है, तो बाइंडरी इलेक्ट्रोलाइट दो आयन में टूट रहा है. लेट सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी है एस मोल पर लीटर. मैंने कल कहा था आपको सॉल्युबिलिटी की यूनिट हमेशा मोल पर लीटर में ही लेते हैं. तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है इसका मतलब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो एक लीटर सॉल्यूशन में एबी के एस मोल घुले. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते समय एबी के एस मोल घुले, और हमने मान लिया ये एबी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली ये भी एस बन गए, ये भी एस बन गए. एबी टूटने के बाद ए और बी देगा, एबी एस घुला है और हम मानते हैं जितना घुला है सारा टूट गया है. तो अब अगर मैं ये जरा ध्यान रखना KSP का फॉर्मूला लिखूं तो वो आया ए आयन इंटू बी आयन, मतलब सॉल्यूशन में ए कितने हैं बी कितने हैं वो पुटअप करने हैं. आपको दिख ही रहा है सॉल्यूशन में ए भी एस है बी भी एस है, तो KSP का फॉर्मूला आ रहा है हमारा एस स्क्वायर, मतलब जो भी सॉल्युबिलिटी उसका स्क्वायर, या सॉल्युबिलिटी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ KSP हो सकती है. सॉल्युबिलिटी इज स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑफ फॉर बाइंडरी इलेक्ट्रोलाइट. तो ये हुआ पहला केस बाइंडरी इलेक्ट्रोलाइट का. और बच्चों इसमें ध्यान रखना है इस सॉल्युबिलिटी इज अंडर रूट ऑफ KSP. नेक्स्ट, अब जरा इस पे देखिए, बच्चे इस पे गलती कर लेते हैं. अगर Ab2 नाम का इलेक्ट्रोलाइट है तो बेटा Ab2 इलेक्ट्रोलाइट काहे में टूटेगा, निश्चित है A और 2B में. ठीक है, और बैलेंसिंग के हिसाब से तो ए और 2B है, और अगर चार्ज के हिसाब से कहूं तो ए पे चार्ज +2 होगा, बी पे -1. आपको चार्ज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस बैलेंसिंग पे करना है. ये टूट के ए और 2B देगा. अब अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि आप KSP का फॉर्मूला बताइए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूले में आपको याद होना चाहिए खाली ए आने और बी आयन, जो भी बी आयन है उसका स्क्वायर, जो कोफिशियंट आते हैं वो पावर में आते हैं. तो जो ए आयन का नंबर है, जो वैल्यू है, जो बी आयन की वैल्यू है वो यहाँ पुटअप करिए, प्रॉपरली बी का स्क्वायर करिए.
अब अगर सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है तो बेटा ये ध्यान रखना, ये तो एस बनेंगे लेकिन ये उससे डबल टू एस बनेंगे। एक्चुअली बैलेंसिंग में जब ये वन बनता है तो ये टू बनते हैं, यानी डबल बनते हैं। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, यानी ये एस घुल रहा है और टूटने के बाद ए एस बन रहे हैं और बी दुगने बन रहे हैं, तो जरा ये ध्यान रखना ये इक्विलिब्रियम पे इनकी वैल्यू है। तो वैल्यू रख दी भाई, ए की वैल्यू एस रखी और बी की वैल्यू टू एस रखी और इसका स्क्वायर भी करना है। तो बच्चों अब सीएससी की वैल्यू आ गई 4s³। होता क्या है जल्दबाजी में कई बार बच्चे ये जैसे हम 2s रखते हैं ना तो यहाँ 2b लिखने लगते हैं, तो यहाँ 2b नहीं है भैया, यहाँ खाली b है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले खाली फॉर्मूला लिखा था कि a जितना है b जितना है वो पुटअप कर देंगे और a की वैल्यू एज इट इज रहेगी, b की वैल्यू का स्क्वायर करना होगा। और a की वैल्यू इस समय s है, b की वैल्यू इस समय 2s है, बेटा यहाँ पुटअप कर दिया तो csp की वैल्यू 4s³ आ गई, या सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ csp अपॉन 4 की आ जाए। फिलहाल यहीं तक काफी था यहाँ पे कि csp 4s³ के इक्वल आए। बोलो बच्चों क्लियर है पहले दोनों फॉर्मूले? एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से देख लीजिए बेटा। आज हमने csp पढ़ना शुरू किया, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट शुरू किया। बेसिकली क्या है इसका मतलब, तो पहला वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट घोल सकते हैं। जब मैंने कहा ना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट घोल सकते हैं तो बेसिकली वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, और क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लग ही सकता है। अब अगला पॉइंट इसमें ये है कि अगर ए बी नाम का कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब दो आयन में टूटता है, तो ये हमने पानी में डिसॉल्व किया और इसकी सॉल्युबिलिटी की एक वैल्यू है एस मोल पर लीटर। ये एस कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 1। तो इसका मतलब क्या है, एक लीटर जो सॉल्यूशन होगा ए बी का, जैसे इसे डिसॉल्व करेंगे तो एक लीटर सॉल्यूशन में ए बी के एस मोल घुलेंगे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने माना है तो ये S पूरा का पूरा टूट जाएगा, तो ये भी S बन जाएगा, ये भी S, 1-1 बन जाएंगे। अब मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो जनरल आप फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं, तो आपने प्रोडक्ट लिखा क्योंकि हमने कहा रिएक्टेंट खत्म हो चुके हैं, जीरो है, नेग्लिजिबल है, हटा दिया आपने, या वो इधर कॉन्स्टेंट पहुंच गए, तो अब इन दोनों की मल्टीपल सोल्यूशन में कॉन्स्टेंट वैल्यू पर पहुंच जाएगी, यानी ये मैक्सिमम घुल चुका है, उससे ज्यादा घुलेगा नहीं। एक बार दिमाग में ले जाके देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे नमक को हमने पानी में घोला और एक हाईएस्ट लेवल पे घुल चुका, उससे ज्यादा नहीं घुला, तो नमक से जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो एनए आयन पता लग गया, कितने आयन मैक्सिमम, सीएल आयन पता लग गया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी आ जाएगी, वो मल्टीप्लाई कहलाती है इसकी केएस। समझ में आया? और यह हमने फिलहाल अभी कह दिया सॉल्युबिलिटी इज अंडर रूट ऑफ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक बार जब सॉल्युबिलिटी आपको पता चल जाए, या एक बार अगर आपको किसी का केएससी पता चल जाए, केएससी क्या चीज है, केएससी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, तो इसका एप्लीकेशन ये है बच्चों कि आपने ए और बी आयन सॉल्यूशन में ऐड, और ये ए और बी आयन जब सॉल्यूशन में मान लो अलग अलग जगह से ऐड, ठीक है, तो ए और बी आयन की जो कंसेंट्रेशन है उसका मल्टीपल जो आपने केएसपी निकाला है अगर उसके बराबर आ गया तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। अगर ए और बी आयन जिसे हम आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे, आयन की प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट, अगर वो केएसपी से कम है, इसका मतलब आयन कभी कम है और आयन आ सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। और जब भी आयन की प्रोडक्ट आपको लगे केएसपी से ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब वहां प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो बेसिकली हम केएसपी क्यों पढ़ रहे हैं, हम केएसपी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम चीजों को प्रेसिपिटेट करा रहे हैं, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन कब प्रेसिपिटेट हुआ, कौन सी चीज किस चीज को डालने में प्रेसिपिटेट होती है। तो जब भी आयन की प्रोडक्ट अपने केएसपी के बराबर हो जाती है तो वो चीज सैचुरेटेड कहलाती है, आयन की प्रोडक्ट कम है
और सीएफसी ज्यादा है तो अनसेचुरेटेड कहलाती है, और आयन की प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो जाती है प्रेसिपिटेट बनता है सीएफसी से ज्यादा हो। ये हमारा एक तरीका है सीएफसी फाइंड आउट कर, ठीक है। अब एक बार फिर से समझिए बेटा, ये जो मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइंड आउट, बच्चों एक बार फिर समझिए क्या है। जैसे आपने नमक को पानी में घोला, इज इट क्लियर, जैसे नमक को पानी में आप घोल के आपने उसका पीएचपी निकाल लिया, आपको पता चल गया कि NaCl का पीएचपी कितना होता है, मैक्सिमम पीएचपी आपको पता है। अब आपने क्या किया, आपने सी वाटर ले लिया, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, सी वाटर ले। तो बच्चों इस सी वाटर में NaCl मौजूद है, ठीक है, ठीक है बेटा। सी वाटर में आपको मालूम होगा समुद्रीय पानी में नमक होता है। अब आपने क्या किया, इस सी वाटर में HCl पास किया, आपने जैसे ही HCl पास किया तो सी वाटर में क्या बढ़ने लगा, Cl आयन, ये आयन बढ़ने लगेगा, ये HCl जाएगा आयन देगा। और जब सी वाटर में Cl आयन बढ़ेंगे तो कॉमन सेंस है ये वाले जो आयन की प्रोडक्ट है इसको हम आयनिक प्रोडक्ट कह रहे हैं, ये बढ़ने लगेगी, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ने लगेगी और पीएचपी तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा बेटा, है ना। और जब भी ये आयनिक प्रोडक्ट अपने पीएचपी को एक्सीड करेगी, जैसे ज्यादा ले जाएगी वैसे वहां पे क्या दिखने लगेगा, तो बेटा प्रेसिपिटेट कब दिखेगा, जब जब आयनिक प्रोडक्ट इससे ज्यादा हो जाएगी पीएचपी से कम। तो पानी में नमक था, हम चाहते हैं नमक प्रेसिपिटेट हो जाए, प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर नमक को प्रेसिपिटेट करना है तो इसकी पीएचपी से ज्यादा आयन की प्रोडक्ट आए। तो हमारे पास नमक में NaCl में Na और Cl आयन, तो या तो बाहर से Cl आयन ऐड कर दिए या Na आयन ऐड कर दिए, तो हमने HCl ऐड किया तो Cl आयन, Cl आयन आते ही ये वाली प्रोडक्ट बढ़ने लगी, और जैसे ही ये प्रोडक्ट पीएचपी से ज्यादा हुई वैसे ही NaCl क्या होने लगा। तो प्रैक्टिकली एक बार एग्जाम्पल सोच के देखो क्या है कि समुद्र का ये पानी एक कंटेनर में रखा है, आपने एक पाइपलाइन के थ्रू HCl गैस भेजना शुरू, थोड़ी देर में आप नीचे क्या देखने लगोगे, थोड़ी देर में आपको नीचे क्या देखने लगेगा, NaCl प्रेसिपिटेट होता हुआ, जैसे जैसे HCl अंदर जाएंगे वो बढ़ने लगेंगे और NaCl। तो यहाँ से हम पता लगा लेते हैं कौन कब होगा, और इसी बेसिस से हमने एनर्जी केमिस्ट्री के ग्रुप बनाए, ठीक है बेटा, जा सकते हैं। तो एबी नाम का इलेक्ट्रोलाइट का पहले एग्जांपल मैंने बताया और उसमें निकाला कि सॉल्युबिलिटी अंडर रूट ऑफ पीएचपी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हमसे, या पीएचपी में सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। फिर मैंने एक और एग्जांपल दे दिया एबी टू नाम का इलेक्ट्रोलाइट, तो अगर एबी टू नाम का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी पीएचपी जो है और सॉल्युबिलिटी क्या रिलेशन है, पूरे क्यूब या सॉल्युबिलिटी के क्यूब रूट ऑफ पीएचपी बन, दोनों लिख लिए बच्चों आपने, इसमें बोर्ड बिठा लिख लो, ये तीनों चीजें लिख लीजिए, ये तीन चीजें मैं चाहूंगा आपकी कॉपी में होनी चाहिए, पहला ए बी वाला के, दूसरा ए बी सी वाला के, और तीसरा ये वाला पॉइंट ए एच पी और आयनिक प्रोडक्ट में चार, ठीक है। अब इसे लिखो जरा, आपको कराऊंगा बेटा भी इसके अभी तो मेरे पे ले लो, आपको जो छोटे मोटे डाउट है वो भी कट जाएंगे, और एनालिटिकल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन भी बताऊंगा क्या है। देखिए तो बच्चों ये हुआ हमारा ए बी टू, अभी एक दो और लिख लेते हैं जिससे कि
एकदम दिमाग में जनरलाइज क्लियर हो जाए और बार बार हमें इतना लिखना भी ना पड़े, हम तुरंत पीएचपी का फॉर्मूला बना दें, ठीक है। और इसके देखिए बेटा, अब अगले इलेक्ट्रोलाइट को आपको खुद करना है, AB3 इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब AB3 क्या हुआ, जैसे AlCl3 होता है वैसा इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो पीएचपी का फॉर्मूला इसको लिखा है AB3 इलेक्ट्रोलाइट। बेटा ये है AB3, ये आप आयनाइज करेंगे, अच्छे आयन करेंगे, ए आयन एक आएगा और बी आयन के नंबर 3 आएगा। फिलहाल बैलेंसिंग से मतलब है चार्ज से नहीं, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए ना कि ये चार्ज ऐसे दिखाने चाहिए कि ए पे प्लस में चार्ज होगा और बी पे माइनस। अगर बेटा सॉल्युबिलिटी एच है मोल पर लीटर, तो ये भी एच बनेंगे और ये भी 3 है, सॉरी एक एच और एक 3 है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी अगर एच मोल पर लीटर है तो ए तो एच बनेंगे और बी 3H बनेंगे। अगला पॉइंट होगा केएसपी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। अब बच्चों ये मर्ज मत करना कि जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ गलती से 3B मत लिखना, फॉर्मूले में वो जो 3 है वो क्यूब में चला गया है, तो यहाँ 3B का क्यूब नहीं होगा। और इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू एस है, इसकी वैल्यू 3S है, और बच्चों इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आप लिख सकते। तो यहाँ फिलहाल केएसपी का आंसर 27S⁴ आया है, कर लिया है, ठीक। अब हम ए की जगह नाम लिख लेते हैं, जैसे मैंने ये लिख लिया बेटा कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4H2I। फिर से वही चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बताइए बेटा यहाँ के केएसपी का फॉर्मूला क्या आएगा कैल्शियम फॉस्फेट में Ca3PO4H2I में, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो, बताइए। हाँ ये वाला आंसर फाइनल आंसर खाली बताइए क्या आएगा। बेटा ये आयनाइज करके, चलिए मैं नहीं बोलता हूं, आप करते रहिए। बच्चों यहाँ का आंसर आएगा, ठीक है, मैंने ये बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है आपके लिए, थोड़ा सा कैमरे में जो नहीं आया वो भी देख लीजिए, ये था। क्या आपको इसमें दिक्कत है, और अगर समझ में आ गया वन टाइप करो, नहीं आया है टू टाइप करिए जल्दी से, ठीक है। वेरी गुड अभिषी वंशिका एंड वन मोर, तीन बच्चों को क्लियर है, बाकी भी दो तीन जो है बता दीजिए, ठीक है। तो बेटा इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है जो यूजुअली हम नहीं लगाते, लेकिन पता होना चाहिए क्या हो सकता है शॉर्टकट। तो बेटा इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते थे, वो ये कि अगर ए का नंबर एन है, बी का नंबर एम है सपोज, ठीक है, और हमसे कहा फॉर्मूला बताओ, तो डायरेक्ट शॉर्टकट ये होता है केएसपी इज इक्वल टू एन रेशियो दी पावर एन, एम रेशियो दी पावर एम एंड सॉलिबिलिटी रेशियो दी पावर एन प्लस एम। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप चेक करिए कि आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअली ये जब आयनाइज होगा तो ये एन टाइम्स ए देगा, एम टाइम्स बी देगा, और ए के लिए पावर एम है, बी के लिए पावर एन है, ठीक है, ऐसे करके। और जब ये आयनाइज होगा, अगर इसकी सॉलिबिलिटी S है तो ये N टाइम S आएगा, M टाइम S आएगा, और कॉमन सेंस है NS की पावर N, MS की पावर M,
तो n की पावर n दिखेगी, m की पावर m दिखेगी और सॉलिबिलिटी की पावर ऐड होगी क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई साइन है। तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट हमारा ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऐसे आ सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से मैथमेटिकल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके यहाँ का फेवरेट क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट इज, बेटा आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है BaSO4 की 2.33 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इज 2.33 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ठीक है, गिव इट KSP या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। और बेटा पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सिंपल रख रहे हैं। बताइए, ये आपको ऑप्शन दिए हैं 2.33 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन 10⁻³ का स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 2.33 × 10⁻³ का स्क्वायर और चौथा ऑप्शन 10⁻¹। ये चार ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, ऑप्शनल कर दिया है और एक भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है और भी ऑप्शन बता सकते थे आप 4.66 × 10⁻³ या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ऐसे बन सकते हैं। विच इज करेक्ट, चेक करिए, बताओ बच्चों। ओके बेटा, एक सेकंड बच्चे हैं अभिषी बेटा, एक सेकंड। अब बोलिए। ओके, तो यहाँ जो आंसर है वो है, बोलो बेटा, एक ही बच्चे ने ऑप्शन दिया है। यहाँ आंसर है बेटा बेसिकली ये डी सही। ठीक है, ये आंसर सही है बेटा विशी। ठीक है, तो गलती कहाँ हुई आपसे या कहाँ यूजुअल बच्चे गलती करते हैं, मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं। बेटा क्या हमसे जल्दबाजी हुई, आपको समझ में आया है ना? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया, देखिए हमने यहाँ पे यूनिट दी थी ग्राम पर लीटर और आपने जल्दबाजी में बस ये सोचा कि ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है और स्क्वायर करना है। तो आपने क्या किया, आपने इतना तो सही सोचा है कि ये बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है और बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट में जो केएसपी होती है वो सॉल्युबिलिटी स्क्वायर होती है। तो अगर ये एस सॉल्युबिलिटी है तो एस बनेगा एस, तो ये तो आपने सही सोचा है एस स्क्वायर, बट सॉल्युबिलिटी की यूनिट आपको ध्यान देनी थी मोल पर लीटर ही होनी चाहिए और यहाँ पे है ग्राम पर लीटर। तो अब आपको जो करना था बेटा इस क्वेश्चन में, पहले सॉल्युबिलिटी की यूनिट सही करनी थी। तो ये 2.33 × 10⁻³ है, इसका मोलर मास होता है 233। आप पूछते तो मैं बताता आपको, इसका 233 होता है। तो ये 1/100 हो जाएगा यानी 10⁻⁵। तो इस क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी है 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में 10⁻⁵ है। और बेटा अब सॉल्युबिलिटी का जो अगला स्टेप है वो तो आपने खुद ही कर लिया है कि बेरियम आयन इनटू सल्फेट आयन वो आपने खुद ही कर लिया है। अगर ये 10⁻⁵ है तो ये भी -5 होगा और ये आंसर 10⁻⁶। बोलो क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से सॉल्यूशन। समझ तो आई गया, क्वेश्चन तो समझ में आई गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन मैं इसका रिवर्स दे रहा हूं आपको, है ना, थोड़ा सा अलग कर दे देते हैं रिवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, केएसपी इज केएसपी ऑफ एजीसीएल
इज 10 की पावर माइनस 10, ठीक है, वही क्वेश्चन हो गया एक तरीके से. कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ, और पहले ही बता दिया है जब तक कुछ नहीं कहा जाता तो वाटर में ही सारे क्वेश्चन होते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ग्राम पर लीटर. और बेटा आपके ऑप्शन ऑब्वियसली यही है, 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, दूसरा 10 की पावर माइनस 5, तीसरा 1.435 इंटू 10 की पावर माइनस 3, या चौथा NOT. नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है भैया, कोई और है. तो वो क्या है फिर वो आप बताएंगे भाई क्या है, है ना. तो ये वाला क्वेश्चन अब आप करिए कि आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है, सॉरी इस बार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है और सॉल्युबिलिटी निकालनी है. और मैंने आपको ऑप्शनल में दे दिया है कि ये रहे ऑप्शन, सॉल्व करके बताइए. हाँ बेटा, हाँ आपकी आवाज बड़े कट रही है, लेकिन शायद आप AgCl का मॉलिक्युलर वेट पूछ रहे हो शायद. तो सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 है, क्लोरीन का 35.5 है, और AgCl का मोलर मास 143.5. और आई होप सो जिस बच्चे ने भी बताया है बिल्कुल सही है. यहाँ का आंसर है, नहीं बेटा विजय गलत है आपका, यहाँ का आंसर है 1.435 इंटू 10 की पावर माइनस 3. कैसे करेंगे वो देखिए बच्चों. पहले आपको KSP गिवन है, और KSP बाइनरी के केस में S स्क्वायर के इक्वल होती है. तो बेटा सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट KSP, और KSP है 10 की पावर माइनस 10, उसका अंडर रूट 10 की पावर माइनस 5 मोल पर लीटर आएगा. और ठीक है बेटा, मोल पर लीटर आने के बाद अब आपको तो निकालना है ग्राम पर लीटर में, क्योंकि क्वेश्चन तो ग्राम पर लीटर में है. तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे मोल से ग्राम कैसे बनाएंगे. तो अगर आपको याद है कि मोल बेसिकली होता क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज मोल. तो मोल आपको गिवन है विच इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो अगर हमें किसी का वेट निकालना है तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे. यहाँ मोल आए हैं 10 की पावर माइनस 5, मॉलिक्यूलर वेट है 143.5. और इसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूं और डेसिमल को यहाँ ले जाऊं तो 1.435 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आएगा. आपको याद होगा डेसिमल अगर लेफ्ट में ले जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, डेसिमल अगर राइट में ले जाए तो पावर नेगेटिव. उस बेसिस पे ये डेसिमल लेफ्ट में गया, पावर पॉजिटिव कर दी, तो ये आंसर सी आएगा, जो एक दो बच्चों को समझ में आ गया. बोल बेटा विजय, अब आपको भी समझ में आया, बोलिए बेटा क्लियर है. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो ये हुआ हमारा KSP और सॉल्युबिलिटी के बारे में, और इसका एप्लीकेशन अभी पहले देख लेते हैं. ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, तो बेटा इसका एप्लीकेशन नंबर 1 तो आपको मैं अभी बता चुका हूं कि सी वाटर में से अगर सोडियम को या नमक को NaCl को अलग करना हो तो इसको अप्लाई करके कर सकते. तो लिख लीजिए एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन बेटा, कॉमन सॉल्ट कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सी वाटर. कॉमन सॉल्ट कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं. कॉमन सॉल्ट कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सी वाटर बाई एडिंग HCl. बाई एडिंग HCl. HCl को एड करके. ठीक है, तो कैसे हुआ एक बार लिख लीजिए, चाहे समझ लीजिए. NaCl हमारा था सी वाटर में, और HCl हमने ऐड किया, और Cl आयन बढ़े. और जब भी ये KSP का फॉर्मूला तो ये था Na into Cl, लेकिन Cl आयन जब बढ़ेंगे तो जैसे ही ये आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होगी तो ये चीजें प्रेसिपिटेट हो जाएंगी. तो NaCl कब प्रेसिपिटेट होगा,
जब ये Cl आयन बढ़ते हुए इस मल्टीप्लाई को इतना बढ़ा दें कि ये अपने Ksp से ज्यादा हो जाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट होगी। तो प्रेसिपिटेट के पीछे का लॉजिक आ गया कि कब चीजें प्रेसिपिटेट होंगी। हमेशा सॉल्यूशन से तभी चीजें प्रेसिपिटेट होंगी जब उनके आयन का मल्टीपल अपने Ksp से ज्यादा हो, तब चीजें प्रेसिपिटेट होगी। डन। दूसरा एप्लीकेशन लिख लीजिए। दूसरा एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं कि अगर किसी ने हमारे घर में आके साबुन को, ठीक है, सोप जो होता है, पानी में घोल दिया, बहुत सारा सोप पानी में घोल दिया है, ठीक। अब हम चाहते हैं घुला हुआ सोप भी बाहर आ जाए, दोबारा प्रेसिपिटेट हो जाए, जिससे हम फिर यूज करें। तो क्या पॉइंट है? ये होता है बच्चों सोप। यूजुअली सोप सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अभी हमने सोडियम सॉल्ट माना है, तो ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बेसिकली सोप है, और इसमें दो आयन होते हैं, एक कार्बोक्सिलेट आयन है और एक एनी आयन। तो वो जो अभी नमक की फैक्ट्री लगाई थी, वहां से नमक लेके इस पानी में डाल दो, जिस पानी में साबुन घुला हुआ है उस पानी में नमक डाल दो, और जैसे ही नमक डाल के आप इसको हीट करें, स्टर करेंगे, तो आप देखेंगे सोप प्रेसिपिटेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही नमक आप डालेंगे तो सोडियम आयन बढ़ेंगे, और जैसे ही ये RCO नेगेटिव और Na का ये वाले आयन बढ़ रहे हैं ना, इनका प्रोडक्ट जैसे ही ज्यादा हो जाएगा इससे Ksp से, तो ये RCO Na क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। तो पानी में से हम वो साबुन जो घुला हुआ है वो भी अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? हम इसमें ऐड करें क्या चीज? NaCl। NaCl ऐड करने पे Na आयन बढ़ेंगे और ये मल्टीप्लाई जैसे ही Ksp से ज्यादा होगी प्रेसिपिटेट होगी। क्लियर। तीसरा एप्लीकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने दूसरा लिख लिया होगा, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप फ्रॉम वाटर, ठीक है बच्चों। तीसरा एप्लीकेशन है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, या एक केमिस्ट्री है जिसका नाम रखा गया है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उससे है। क्या है भैया एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेटा? बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने जो ग्रुप बनाए हैं वो Ksp के हिसाब से ही बनाए हैं, ठीक है। अब कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो H2S पास करके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं? तो जब H2S पास करके देखा तो बहुत सारे मेटल प्रेसिपिटेट हो रहे थे, जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फाइड बना रहा है, जिंक है, जिंक सल्फाइड बना रहा है, तो बहुत सारे मेटल H2S पास करके प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दो कैटेगरी बना दी, एक ग्रुप बनाया है सेकंड और एक ग्रुप बनाया है फोर्थ। दो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, सेकेंड एंड फोर्थ, और ये दोनों के दोनों H2S डालने से प्रेसिपिटेट होते हैं। सेकेंड और फोर्थ ग्रुप जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के हैं, उन दोनों ग्रुप का रिएजेंट है H2S। H2S पास करेंगे तो सेकेंड और फोर्थ दोनों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सेकेंड और फोर्थ में अंतर क्या है बेटा? सेकेंड ग्रुप की Ksp कम है और फोर्थ ग्रुप की Ksp ज्यादा है। मतलब फोर्थ ग्रुप ज्यादा देर तक घुला रहता है, ज्यादा अमाउंट में घुला रहता है, और उसे अगर प्रेसिपिटेट करना है तो सल्फाइड आयन ज्यादा चाहिए, जबकि सेकेंड ग्रुप को सल्फाइड आयन बहुत कम चाहिए। मतलब कुछ हमने ऐसे एलिमेंट खोज लिए हैं, पता कर लिया है, जिन्हें थोड़े से सल्फाइड आयन से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मिल गए हैं जिन्हें ज्यादा सल्फाइड आयन चाहिए, तो हमने दो ग्रुप बना दिए, सेकेंड और फोर्थ, ठीक। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ सेकेंड ग्रुप प्रेसिपिटेट हो, फोर्थ ना हो। ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा हूं, हमने H2S पास की और H2S पास की तो उससे मिले हमें सल्फाइड आयन, ठीक है बच्चों। H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी इतने सल्फाइड आयन दे देता है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर सेकेंड ग्रुप का कोई एलिमेंट है और फोर्थ ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो H2S डालते ही दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। स्टार्टिंग से सुनना, H2S से क्या मिलता है? H2S से क्या मिलता है? सल्फाइड आयन मिलते हैं, और सेकेंड ग्रुप को कम सल्फाइड आयन चाहिए, फोर्थ ग्रुप को ज्यादा सल्फाइड आयन चाहिए प्रेसिपिटेट होने के लिए।
H2S वीक होने के बावजूद इतने सल्फाइड आयन दे देता है कि इन दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट का काम तमाम हो जाता, दोनों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। हम तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ ये प्रेसिपिटेट हो, ये ना हो, समझ में आया। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ ये प्रेसिपिटेट हो तो हमारी इच्छा है सल्फाइड आयन कम आए, समझ में आया, क्योंकि सल्फाइड आयन ज्यादा होंगे तो ये भी प्रेसिपिटेट होंगे। अब हमें सल्फाइड आयन कम करने, ठीक है, तो सल्फाइड आयन कम करने के लिए हम H2S डालने से पहले HCl डालते हैं। ध्यान रखना, H2S डालने से पहले HCl, और HCl डालते ही ये H आयन और Cl आयन आ गए, और H आयन में लग गया बेटा कॉमन आयन इफेक्ट, और जब भी कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो वीक का अनकॉमन कम हो जाता है, तो सल्फाइड आयन कम हो गए। फिर से सुनो, हमने क्या किया, हमने HCl डाला पहले, मतलब अगर यहाँ सेकेंड ग्रुप भी मौजूद है, फोर्थ ग्रुप भी मौजूद है, तो हम पहले इसमें डालेंगे HCl, जिससे कि मीडियम एसिडिक हो जाए। HCl डालने के बाद हमने यहाँ पास किया H2S। जब H2S पास करेंगे और पहले से HCl होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन कम आएंगे, और जब सल्फाइड आयन कम आएंगे तो भैया वही प्रेसिपिटेट होगा जो कम सल्फाइड आयन से हो सकता हो, यानी सिर्फ ग्रुप टू प्रेसिपिटेट होगा, फोर नहीं होगा। पूरी कथा समझ में आई, पॉइंट समझ में आ गई। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि सेकेंड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप दोनों का रिएजेंट HCl है, सॉरी H2S है, क्या डिफरेंस है? तो आप कहेंगे फोर्थ ग्रुप की KSP ज्यादा है, सेकेंड ग्रुप की KSP कम है, मतलब फोर्थ ग्रुप को प्रेसिपिटेट होने के लिए ज्यादा सल्फाइड आयन चाहिए, सेकेंड ग्रुप को प्रेसिपिटेट होने के लिए कम सल्फाइड आयन चाहिए। क्लियर है? और ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने HCl बाद में ऐड किया, पहले H2S डाल दिया, तो भैया अगर आपने पहले H2S पास कर दिया बिना HCl के तो कॉमन आयन इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब H2S जैसे ही अंदर आएगा वो टूट के सल्फाइड आयन देगा दना दन दना दन, मतलब ज्यादा, और अगर ज्यादा सल्फाइड आयन आ गया तो दोनों ग्रुप प्रेसिपिटेट हो गए, सेकेंड भी फोर्थ भी, तो हमारा तो मतलब H2S पहले डाल दिया और फिर सल्फाइड फिर HCl डाला तो उस HCl का कोई फायदा नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि हम पहले डाकुओं को भेज दें या पहले पुलिस को भेजें, तो ये पहले भैया पुलिसिंग जाएगी फिर डकैत जाएगी, इज इट क्लियर? अगर पहले डकैत पहुंच गए तो इन्होंने तो जो काम करना था वो पहले ही कर दिया ना, तो इसलिए HCl पहले ऐड किया जाता है H2S। क्लियर है? तो ये ग्रुप सेकंड और फोर्थ की कहानी थी। अब बेटा अगर ग्रुप फोर में सोचोगे तो ग्रुप फोर में सल्फाइड आयन ज्यादा चाहिए, तो ग्रुप फोर में भी रिएजेंट जब H2S पास करना होता है तो पहले से थोड़ा सा मीडियम बेसिक कर देते हैं, यहां एसिडिक किया था वहां बेसिक, बेसिक होने से रिएक्शन फॉरवर्ड तेज हो जाती है और सल्फाइड आयन बढ़ जाते हैं, तो ग्रुप फोर में मीडियम बेसिक क्यों किया, सल्फाइड आयन बढ़ाने थे, ज्यादा सल्फाइड आयन। अगर ये कहानी समझ में आई है तो इसके अपोजिट कहानी अपने आप पूरी की पूरी नरेट करो। एक है थर्ड ग्रुप केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और एक है फिफ्थ ग्रुप, दोनों के लिए मेन रिएजेंट NH4OH है, तो NH4OH डाल के ही दोनों के हाइड्रोक्सी, लेकिन थर्ड का मतलब जो पहले आ रहा है उसकी KSP कम है, और बेटा अगर उसकी KSP कम है तो ऑब्वियसली बोलो बेटा थर्ड ग्रुप, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ विजय, आवाज आ रही है। तो थर्ड ग्रुप में अगर हम चाहते हैं कि खाली थर्ड ग्रुप प्रेसिपिटेट हो तो NH4Cl पहले NH4Cl डाल दें फिर NH4OH डालें। क्यों? NH4 आयन कॉमन हो जाएंगे, वीक का अनकॉमन कम हो जाएगा, OH कम हो जाएंगे,
और जब ये OH कम होंगे तो खाली थर्ड प्रेसिपिटेट होगा, फिफ्थ प्रेसिपिटेट नहीं होगा। बोलो बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है, ठीक। और जब फिफ्थ प्रेसिपिटेट कर रहे होंगे तो ठीक है, चलिए इतने को आज आप कर लीजिए एनालिटिकल केमिस्ट्री को। इंडिकेटर्स एक छोटी सी हेडिंग है, यूजुअली सिलेबस बोर्ड में नहीं है वो इस समय, तो हमारा आयनिक खत्म हो गया। अगर किसी स्कूल में इंडिकेटर पढ़ाए हो तो आप मुझे बताना, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होना है? आई होप सो हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऑर्गेनिक होगी बच्चों, या फिर एसएनटी ब्लॉक होता है, और आई होप सो, या हाइड्रोजन। अब आपके कोर्स में जो हमारे पास बचा है वो क्या क्या है, आई होप सो लाइन से स्टार्टिंग से अगर हम सोचे तो फर्स्ट बुक पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि फर्स्ट बुक में एक यही चैप्टर बचा था आयनिक, और सेकंड बुक का आपका रेडॉक्स हो चुका है। अब सेकंड ग्रुप में एक हाइड्रोजन है, एक एस ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, और ऑर्गेनिक है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा वेटेज वाली जो चीज है, जो 12th में कॉम्पिटिशन में हर जगह काम में आएगी, दैट इज ऑर्गेनिक। तो अगर हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो आई होप सो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और एस ब्लॉक थोड़ा सा रटने वाले हैं। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कल तक बता दीजिए आपको क्या करना है, और कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है बेटा। सर कल क्लास होगी ना?